नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए जानते हैं देश की बड़ी खबर। ओडिशा ट्रेन हादसा में 280 लोगों की मौत और 900 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो ओडिशा में 3 ट्रेन टकराई। बेपटरी कोरोमंडल एक्सप्रेस से दुरंतो ट्रेन टकराई, फिर मालगाड़ी से भिड़ी और 900 लोग घायल हो चुके हैं। तो इसमें से 280 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो ट्रेन हादसे में 280 लोगों की मौत हो गई है और हादसा बालासर के बानगा बाजार स्टेशन के पास शाम करीब 7 बजे हुआ। रेलवे के मुताबिक 800 लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। अभी तक मौके पर 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस तैनात की गई है, जिनसे घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। तो बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे। पीएम मोदी ने हालात की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। तो इसके बाद बताया जा रहा है कि शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस ड्रेल हुई थी, इसके कुछ डिब्बे दूसरे पटरी पर पलट गए। दूसरी तरफ से आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस इनसे टकरा गई। तो हादसा इतना भीषण था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां पूरी तरह पलट गई और कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां दूसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। तो बता दे कि बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर लाशों का ढेर लग गया। रेलवे ने अलग अलग स्टेशन पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हुए हैं। अब बताया जा रहा है कि चारों ओर से चर्चा चल रहा है कि रेलवे का जो कवच प्रोजेक्ट है, तो ओडिशा में ट्रेन हादसे को रोकने वाला रेलवे कवच प्रोजेक्ट कहां गया। तो ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद रेलवे के कवच प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो कवच प्रोजेक्ट क्या है, चलिए जानते हैं। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोजेक्ट सिस्टम है जो रेलवे को एक्सीडेंट होने से रोकता है। इस सिस्टम को विकसित करने के पीछे भारतीय रेलवे का उद्देश्य जीरो एक्सीडेंट का बताया जाता है। तो इसका पहला ट्रायल 2016 में हुआ था। इस सिस्टम पर रेलवे ने साल 2012 में काम करना शुरू किया था, लेकिन फिर भी रेल की एक्सीडेंट हो रही है। सिस्टम कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सेट है और इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस का ट्रेन ट्रैक रेलवे सिग्नल सिस्टम और हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इसे लगाया जाता है। तो जैसे ही कोई लोको पायलट किसी सिग्नल की जंप करता है तब कोच एक्टिव हो जाता है। तो बता दे कि इसके बाद सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट करता है और फिर ट्रेन के ब्रेक्स का कंट्रोल हासिल कर लेता है। इसके बाद जैसे ही सिस्टम को पता चलता है कि ट्रेन दूसरी ट्रेन पर आ रही है, तो वो पहली ट्रेन को मूवमेंट को रोक देता है। और रेलवे के कवच प्रोजेक्ट का नाम है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, TCAS था। अभी इस प्रोजेक्ट का नाम बदल कर रेलवे ने कुछ और रखा है।